दुनिया भर में इन दिनों कोरोना वायरस को लेकर दहशत फैली हुई है। चीन के वुहान से फैला ये वायरस अब तक हजारों लोगों को मौत की आगोश में ले जा चुका है। देश में इस वायरस को लेकर लोगों को काफी जागरूक किया जा रहा है। लोग खुद ही इस वायरस की जांच करवा रहे हैं ताकि उन्हें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन हम आज आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो आपको थोड़ी राहत दे सकती है। अगर आप कोरोना का टेस्ट करवाएं और वो पॉजिटिव आता है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आपकी जो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है वो वही कोरोना वायरस हो जिसने चीन में कई लोगों की जान ली है। चीन में जो वायरस फैला है वो है 2019 नोवल कोरोना वायरस COVID-19। ये नया वायरस है जो चीन में है। कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, इससे पहले भी ये वायरस फैल चुका है। चलिए आपको कुछ अलग अंदाज में समझाते हैं। ये वायरस एक फैमिली मेंबर है। इससे पहले भी इस वायरस के चार टाइप सामने आ चुके हैं जो पूरी दुनिया में एक्टिव है। लेकिन ये वायरस कभी नुकसानदायी साबित नहीं हुए क्योंकि इनसे निपटने की क्षमता हमारे शरीर में है। ये वायरस है 229E अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस, HKU बीटा कोरोना वायरस। कुछ दिनों पहले दिल्ली में दो लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया और वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। तब उन्हें ये समझाया गया कि ये COVID-19 नहीं है, ये नॉर्मल कोरोना वायरस है जिससे हमारा शरीर मुकाबला कर सकता है। इस वायरस का पता खुद संक्रमित व्यक्ति को भी नहीं चलता क्योंकि इसके कुछ खास नुकसान सामने नहीं आते हैं। चीन सहित कई अन्य देशों में ये बीमारी फैल रही है। इससे WHO ने महामारी भी घोषित कर दिया है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जितना सतर्क रहेंगे आप उतना स्वस्थ रह पाएंगे। तो अगर आपकी जांच रिपोर्ट में भी कोरोना पॉजिटिव आता है तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।